नमस्कार मैं मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं एस पी एन नाइन न्यूज़ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के स्वास्थ्य को लेकर इस वक्त बड़ी अपडेट्स आ रही है दर्शकों कल आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे अपनी मां से मिले इतना ही नहीं आपको बता दें कि वो कल अस्पताल में भर्ती भी हुई थी उनकी हेल्थ जो है लगातार ख़राब भी चल रही थी और आज हम आपको बताएंगे पूरी अपडेट्स की अब उनकी माँ की तबीयत कैसी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है उसकी जानकारी मिलते ही खुद पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं और उन्होंने अस्पताल पहुंचकर मां से मुलाकात की कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी ने अपनी बीमार मां से अस्पताल में मुलाकात की जिसके बाद वो वहां से निकल गए हालांकि डॉक्टरों की टीम ने बताया है कि पीएम मोदी की मां हीराबेन की हालत अब स्थिर है फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन मोदी को तबीयत बिगड़ने के तुरंत बाद यूं इन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भारतीय भर्ती कराया गया है हॉस्पिटल में भर्ती के होने के कुछ देर बाद अस्पताल की तरफ से एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि हीराबेन मोदी सौ की यानी कि हालत स्थिर है पीएम मोदी के पहुंचने से पहले अस्पताल के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी माँ से मुलाकात के बाद वापस से दिल्ली लौट रहे हैं यानी बड़ी खबर जो आप दर्शकों को बता दें और आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी का भी इस पे दर्शकों को ट्वीट आया जरा उसको सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं पीएम मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही देश के तमाम लोगों और नेताओं ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया अपने इस ट्वीट में उन्होंने कहा एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है मोदी जी इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है आ, मैं आशा करता हूं कि आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएँ इस्पे नई न्यूज़ की टीम भी यही दुआ कर रहा है कि उनकी माँ का तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट इस पे नई न्यूज़